स्कूल छोड़ने के छोड़ के आने के बाद पता चला कि बेसमेंट में चीता है। तो मैं आज जाऊंगा बेसमेंट में चीता के लिए वाइन लेकर के, विस्की लेके जाऊंगा क्योंकि सबको बोलता है चीता भी पीता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। तो रात में तो मुझे धोखा दे दिए, डोसा बोल करके डोसी बना दी। हैं, क्या बनाया था रात में? डोसी। रात में बोली डोसा बनाएंगे, अपना कहते थे हमको डोसी, रोटी और सब्जी आलू का। आज बनेगा? चटनी भी था, साग भी था। आज बनेगा? हाँ बनाऊंगी। हैं, कहिया बनी हो? उस जो है तनु को मैं स्कूल छोड़ के आ गया, और स्कूल छोड़ के आने के बाद पता चला कि बेसमेंट में चीता है। अरे यार सच में, मतलब जब मैसेज आया मेरे पास मोबाइल में, तो बार बार मैं यही सोच रही थी कि मतलब बेसमेंट में वो भी, और बेसमेंट में ही हमारी कार होती है, और ये गए थे तनु को आज कार से छोड़ने के लिए। अब मतलब बार बार ना अजीब सा मतलब इमेज मेरे सामने आ रहा है कि अगर वो कहीं गाड़ी के पास छिपा हुआ होता और ये लोग गए और कहीं हमला कर दिया था, तो वो सोच सोच के ना मेरा तो एकदम क्या बोले, एकदम सनसना जा रही हूँ। मतलब चीता भी सोचता पुनीता लाइफ है गाड़ी, रुको रुको रुको, आज मिलते हैं इन लोगों से। बड़ा ही लोग धमाल मचाता है। तो सुबह सुबह पेड़ को आप पौधा को पानी दे रहे हैं और ठंडा ही लगेगा। एक तो ठंडा से सब सिकुड़ रहा है, पौधा सिकुड़ रहा है। देख नहीं रहे गेंदा, इतना बड़ा बड़ा फूल था, इतना छोटा होने लगा। अब वो वाला गेंदा था तो देखिए, ठंडा में हर चीज छोटा हो जाता है, तो फूल गया है। अरे मतलब ठंडा में मतलब सबको आदमी देखिए सारा सूख गया। वो लेकर आइए तो ना, क्या नाम है, सीजर लेकर आइएगा। अब छटाई करेगी ये पौधों की। एक तो बेचारा पौधा लोग ऐसे ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऊपर से और छटाई करेगी उसकी, क्या बोलूं, पूरा इतनी ठंडी बढ़ गई अचानक से। मतलब हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, ठंड कब आएगी, और अब ठंडी इतनी लगने लगी कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रात में पूरा एकदम मोटा मोटा रजाई वगैरह सब निकाल निकाल कर सब उड़े हैं। मैं तो जैकेट पहन के ही सो गया था। जैकेट पहन रात में, फिर अचानक से हम उठे और जैकेट खोल के फेंक दिए। बट तो फिर हाँ ठंड तो बहुत है। धूप आ ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है? धूप तो आ रहा है लेकिन फिर भी। तो मैं आज जाऊंगा बेसमेंट में चीता के लिए वाइन लेकर के, विस्की लेके जाऊंगा क्योंकि सबको बोलता है चीता भी पीता है। तो लेके जाऊंगा। क्या दिक्कत है, जाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं 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 तन्नू को बस घर पहुंचा दीजिए स्कूल से लाके, उसके बाद उसको हम देखिए। मुझे जरा सा चलिए, अभी दिन में ही चलते हैं फर्नीचर मार्केट। यार बेसमेंट में ही गाड़ी वो तो बेसमेंट में, तुम बेसमेंट में आओगे? बेसमेंट से इतना भी नहीं बेसमेंट में, सब आपको तुम टाइगर खुले हम घूम रहा है, जंगल में नहीं है आप समझे। वो होगा तुम्हें कोने वोने में पड़ा होगा, वहाँ पे हम लोग गाड़ी के पास सिक्योरिटी गार्ड ही बैठता है, वहाँ गेट पे देखते नहीं है। कहाँ रहता है वो? तो उधर रहता है। हाँ तो इतना नहीं है कि सब दौड़ के तुम तुरंत आ जाए। बट नहीं आप मत जाइए, हम नीचे से गाड़ी लेके आ जाएंगे ना। क्या नीचे नहीं जाना है? सुनो गाँव वालों, चीता आ गया, चीता मत आइए। बाप रे बाप, और एक बाल्टी पानी ला दीजिए ना। चलिए मैं देता हूँ पानी ढोकर। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है डोसा, और नहीं जला हुआ तो नहीं लग रहा, ठीक है, थोड़ा सा रेड है बट ठीक है। मेरे लिए तो यही काफी है कि बन तो गया एटलीस्ट। तो देखिए सांभर भी बड़ा एकदम टेस्टी लग रहा है दिखने में, और चटनी भी, और मतलब ऑलवेज टेस्टी रहता ही रहता है, तो मुझे तो पूरा बिलीव है कि टेस्टी ही बना होगा। बाकी मैं तो खा करके बता दूंगा टेस्टी बनाया या नहीं बनाया, बट लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे बताऊं मैं टेस्टी बनाया या नहीं बनाया, तो बिलीव कीजिए कि मतलब टेस्टी ही बना है। तो गाइस काफ़ी टाइम के बाद मुझे डोसा मिल रहा है, घर का बना हुआ। वैसे तो मैं बाहर खाता रहता हूँ, तो घर का बना हुआ डोसा काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बढ़िया भी है। तो मुझसे रहा नहीं आ रहा ये देख करके खाते हुए, मतलब रखा हुआ, तो मैं जल्दी से जाके डोसा खाता हूँ। भाई ये देखिए बड़ा प्यार से एकदम दूसरा डोसा मेरे प्लेट में है। जैसा बनाया मुझे तो बढ़िया लग रहा था, जला नहीं है ना, बहुत टेस्टी।
तो जो मार्केट का डोसा जो सभी हो मिर्ची डालना ही भूल गया था सांभर में। तो आप एक बार उसको ऐसे करके जीभ से टच कर देते तीखा हो जाता। बहुत मजा आ रहा है मुझे खाने में। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्यों आप लोगों को मैं बेमतलब का परेशान कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए घर में जो भी बनाए। मुझे डोसा एंजॉय करने दीजिए। हे गाइस गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग शाम में जा रहे हैं कुछ फर्नीचर का आइटम लेने के लिए और मेरे बिल्डिंग में जो है अभी धमाल मचा हुआ है पैंथर का मतलब लियोपार्ड का। मेरे बिल्डिंग में लियोपार्ड घूम रहा है बेसमेंट में। तो अभी हम लोग अभी हम लोग बेसमेंट में वो है तेंदुआ पूरा एकदम सर चौपन चल रहा है। बाप रे बाप। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि क्या बताएं एकदम दिल धक 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 धक। अब गाड़ी का आप वहाँ हटिएगा नहीं ग्राउंड फ्लोर पर लगाइए आज गाड़ी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्ड लगाई बिल्ड लगा रहे हैं गाड़ी को ग्राउंड फ्लोर में ही लगाने के लिए बोल रही हूँ इनको सुबह से। सुबह से क्या मतलब तनों को छोड़ कर आया है उसके बाद फिर तो निकाले ही नहीं गाड़ी। लेकिन कितना रिस्क लेके हम लोग जा रहे हैं पता है आपको। नोज लाट के खा ही जाएगा एक ही बार में। ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। हाय रे क्या करेगा फिर कैसे बैठा हुआ है यार ये लोग। सिक्योरिटी वाले लोग भी ना गार्ड सबका भी बहुत क्या बोले जान हथेली पे रख लो भाई। देखिए अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं ये फर्नीचर देखने के लिए। यहाँ तो बहुत सारा सजाने का आइटम है। ओपन सेल्फ देखते हैं क्या पसंद आता है यहाँ पे। यहाँ पे लेकिन है यहाँ पे ऑप्शन ठीक है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। बहुत सारा आइटम दिख रहा है नहीं तो लकड़ी की क्वालिटी भी ठीक है। वो जो है ना हैवी है पूरा भारी है वो। छोटा पड़ जाएगा वहाँ नीचे तक ही रहेगा ना। तो गाइस हमने ये टेबल लिया है देखिए प्लाई का ही है। अब सेम यही चीज़ उधर लकड़ी में मिल रहा था जो कि 5,500 का था। इसका पेमेंट हमने फाइनल 2,200 किया है पता नहीं ज़्यादा है या कम है जो भी है ठीक है अच्छा मिल गया। वहाँ पर टेबल वहाँ पर शोपीस वगैरह रखने में फ्लावर पॉट वगैरह रखने में भी अच्छा लगेगा तो उसी को मैं ली हूँ। और जैसा मुझे चाहिए था ना वो सेम अभी मैं ऐसे ही ये गाड़ी लेकर आया तो मैं उधर गई थी वो सेम चीज़ मुझे उधर दिख गया। लेकिन उसमें क्या है कि बस हम कवर्ड की तरह है अंदर ही रख सकते हैं सामान और ये वाला मिल गया तो इसमें कुछ सामान हम लोग रखेंगे तो वो हमें दिखेगा भी अच्छे से शोपीस वगैरह ये सब। और कुछ शोपीस वगैरह मैं लेकर भी आई थी तो उसे मैं रखूँगी अब उसके ऊपर तो फिर मैं वही ले ली बोली वही ठीक है। तो पेमेंट कर दिए हैं बस अब हम ले कर जा रहे हैं ये गाड़ी के पीछे स्पेस बना दिए हैं देखते हैं यहाँ आता है नहीं आता है। आज मैं यहाँ पीछे बैठी हूँ और ये यहाँ लोड हो गया है। ऊपर ट्रे रखा हुआ है ये आगे सीट तक मतलब रखा हुआ है जिस वजह से मुझे पीछे बैठना पड़ा वरना वो डिक्की जो है वो लॉक नहीं होता। और अभी हम लोग जा रहे हैं तनिषा के लिए कुछ गिफ्ट देखने जाते हैं। लास्ट टाइम वहीं से गिफ्ट लिए थे उसका ड्रेसिंग टेबल और वो जो चलाती है क्या चलाती है जी ट्राईसाइकिल स्कूटर वो लिए थे तो अच्छे रेट में मिल गया था जहाँ से वहीं हम लोग जा रहे हैं देखते हैं वहाँ उसके लिए कुछ गिफ्ट इस बार लेंगे कुछ ऐसा जो इसमें यूज में है। पिछला ड्रेसिंग टेबल था बेकार। हाँ ड्रेसिंग टेबल बेकार हो गया इतना महंगा भी लिए और कोई काम का नहीं था वो ऐसे पड़ा हुआ है इस बार कुछ उस काम का ही चीज लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स
ये वाला टेबल लेकर आए हैं इस जगह रखने के लिए। लाने वाले तो थे साइड टेबल ना था, वो साइड टेबल था, लेकिन वो मतलब वहाँ वो साइड टेबल में ज्यादा कुछ रखा नहीं पाता, तो फिर बाद में ये चीज हमें दिखा तो ये हम लेकर आए हैं। वो हाँ उसी में रखी दोनों साथ में। ये हम लोग आगरा गए थे ना तब लेकर आए थे ये घोड़ा, और ऐसे ही पड़ा हुआ था कितने दिनों से, तो ये घोड़ा यहाँ रख दिए हैं। घोड़ा है घोड़ा, अरे वही घोड़ा घोड़ा है घोड़ा क्या घोड़ा घोड़ा इसमें भी कुछ है 100 पीस, देखते हैं आपको कैसे लगाना है। कैसा है तनु कैसा है? उसके कहा गया उसके लिए परेशान हो रही है वो वहाँ इसके अभी आंटी तुम और परेशान होगी फिर अभी से ये इसके पिछले बर्थडे का ड्रेसिंग टेबल है तुमसे उसके लिए परेशान हो रही है ठीक है अभी कुछ रात में देखोगी तो फिर और परेशान तुम तो और परेशान हो जाओगे फिर तो तुम अब उसे कहाँ रखना है उसको कहाँ रखोगे फिर हाँ तो उस रूम में जगह बना देंगे ठीक है अच्छे से प्यारा सब प्यारा एकदम प्यारा चलो इसे डेकोरेट करते हैं। और भाई यहाँ देखिए ये बन रहा है मम्मा का प्यार। तो आज रात 12 बजे है तनिषा का बर्थडे। हालांकि वो तुम्हें कौन बोला तुम अपना काम करो। हालांकि वो हुई थी सुबह 9 बजे ना जी, पता ही नहीं है आपको कुछ 11 बजे के आसपास हुई है, सुबह 11 बजे हुई थी, लेकिन 12 बजे के बाद जो है आज धमा चौकड़ी धमाल मचने वाली है तनु के सोने के बाद। कुछ नहीं तो अभी मैं बनाने वाली हूँ घर में होममेड केक जो कि आपका फेवरेट है सबका फेवरेट है, मेरा है तनिषा का है सबसे ज्यादा मेरा है, क्योंकि मुझे क्रीम वाला केक उतना पसंद ही नहीं है। क्रीम क्रीम से मेरा मन उग जाता है इतना क्रीम क्रीम। लेकिन ना इस बार जो मतलब उसमें आया था ना एनिवर्सरी वो बहुत अच्छा लगा था टेस्ट, वो उसमें क्रीम नहीं था, कोई कोई का क्रीम ही क्रीम रहता है, जैसे वहां पर खाए जो वहाँ और हमें जो केक कटिंग है तो उसमें साइड में इतना क्रीम लग रहा था ना बेकार। एनिवर्सरी कौन सा केक चॉकलेट केक चॉकलेट केक हमको सबसे सबसे बेकार लगता है। बताइए मतलब उसी खाने में क्या है कुछ होगा नहीं वो पता है क्या है खाने में सुबह खा रहे बस देखिए आप बोल रहे थे कि वो बैटर खराब हो रहा है तो उसमें भी बहुत डेट था। नहीं नहीं मेरे तो कहने कि ना मुझे लगा कि कम ना पड़ जाए किसी को, इसलिए मैं वो जितना बैटर था सारा ही घोल दी। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि फेवरेट चीजें खाने में बहुत मजा आता है बट लेकिन कब तक कम से कम दो टाइम में खाना ही चाहिए। सांभर है फ्रिज में चटनी इतना सारा रखा हुआ इसको मैं ज्यादा बना रही थी कि तुम खाते रहिए। चलिए गाइस तो आज रात में जो है सेलिब्रेशन होगा बहुत छोटा सा तनु के सोने के बाद और वो जो धमाल है बर्थडे वाला धमाल वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। उस व्लॉग में कंप्लीट बर्थडे से रिलेटेड कैसे हम लोगों ने रात में स्टार्ट किया, दिन भर क्या किया और रात का धमाल क्या मचा है, कौन कौन शामिल हुआ है, ये जो है ना मैम साहब जो है ना बिल्कुल बताइए कल रात में आप जो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे वो रात में कल शाम तक जो होगा ठीक है ये भी क्लियर करते रहे। कल शाम तक जो होगा ना वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में मिलेगा, उसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशन का ब्लॉग होगा वो नेक्स्ट उसके बाद। अब ठीक है मैडम जी अब ठीक है मैडम बंडम में लगी नहीं इतना ठंडा है कि ये स्वेटर इसके ऊपर एक और स्वेटर। वैसे बहुत ठंडी है दिल्ली एनसीआर में और हर जगह क्या नाम है गोलगप्पा खाने से रुके मतलब ये स्वेटर पहनी हूँ इसके अंदर थर्मोकोट जो होता है वो पहनी हूँ उसके ऊपर जैकेट पूरा एकदम गरम वाला उसके बाद भी इतना ठंड लग रहा था पता नहीं क्यों एकदम सन सन हवा चल ठंडा आ गई है पूरा एकदम गर्माहट खत्म खत्म हो गया। चले गाइस आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कुछ काम है मुझे आप लोगों के लिए ही वीडियो डालना है ताकि आप लोग अच्छे से मजे ले पाए। तो अभी के लिए बाय।